विश्व हिंदू परिषद है, लेकिन इसका लाभ समाज को मिल रहा है। आज के दिन विश्व हिंदू परिषद इस साल लगभग इस स्थान से 25,000 तुलसी के पौधे आज घर घर में वितरण करने जा रही है। लगभग उसका उद्घाटन भी हो गया। यहाँ पर घर घर के लिए जो जाने वाले कार्यकर्ता है तुलसी के पौधे लेकर वो चले भी गए। एक प्रकार से ये केवल पूजा नहीं है, तो वृक्ष के प्रति जो अवेयरनेस चाहिए, जो जन जागरण चाहिए, तुलसी तो एक माध्यम है और हम सभी लोग जानते हैं कि ये तुलसी का पौधा ये आरोग्यदायक है। अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो है तुलसी माता दूर करती है, इसलिए हम तुलसी को पूजते हैं। या इस देश के अंदर भले दुनिया उसको अनपढ़ कहती है, पागल कहती है, इसको गवार कहती है, लेकिन ये देश आज पूरे विश्व में विश्व गुरु बन गया है। इसका कारण ऐसा है कि विज्ञान के आधार पर ये देश की नींव है। ये देश की नींव विज्ञान के आधार पर इसीलिए कि तो इस देश के अंदर जो भी जीव जंतु है, जो भी पौधे हैं, यहाँ पर पवन की भी पूजा की जाती है, बरसात की भी पूजा की जाती है, यहाँ सूरज की भी पूजा की जाती है, चांद की भी, ये दुनिया में ये कहीं पर नहीं है। तो आज इसी माध्यम से एक तुलसी माता, जिसको हम माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, जैसी भारत माता है वैसी ये तुलसी माता है, जो अपने आप को मिटाकर मनुष्य को जीवन देती है, दृष्टि देती है, एक संदेश देती है, उसी प्रकार से आज यहाँ पर घर घर में तुलसी देकर हिंदू समाज का बहुत बड़ा ये पूजा का ऐसा ये वृक्ष है, ये जो पौधा है, ये तुलसी माता का, ये भगवान का रूप है और इसका पूजा आज जगह जगह पर तुलसियाँ मिल नहीं रही है। लोगों की पूजा की भावना न मिलने के कारण कम हुई है। और विषय के अंदर आज विशेष दिन ऐसा है, इसकी विशेषता मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा आज के दिन, कि जिस तुलसी के हम पूजा कर रहे हैं उस तुलसी के माला को धारण करने वाले भगवान विष्णु, जिसको महाराष्ट्र में पांडुरंग कहते, विठ्ठल करते, मालधारी है, तुलसी के माला जिन्होंने घर घर में दी है, और ऐसा कहा जाता है जिसके गले में तुलसी की माला है, जिसके घर में तुलसी है, जिसके द्वार पर तुलसी है, जिसके खेत में तुलसी है, उसके अंतकरण में भी तुलसी होती है और उसको कोई भूत बाधा या कोई बीमारी कभी नहीं छूती है। इसलिए ऐसे ये पवित्र जो वृक्ष है, पवित्र ये ऐसा जो ये पेड़ है, इसको घर घर में बांटने का काम विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में हाथ में लिया है। और जगह जगह पर आज के ऐसे पवित्र दिन पर लोगों को क्या देना, तो ये तुलसी का एक भेंट के रूप में हम घर घर में इसको देने जा रहे हैं। आज यही एक महत्व का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे अन्य कार्यक्रम हैं, उसमें भी ये पहला कार्यक्रम मैं इसको समझता हूँ साल का, और इससे हम तुलसी वाटप से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद इस तरह के कार्यक्रम देश भर में कहाँ कहाँ चलाने वाले, कुछ काम किया आप लोगों ने? इस प्रकार के जो कार्यक्रम है ये अघोषित कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ जा ये साल भर चलने वाले कार्यक्रम है, लेकिन विशेष करके महाराष्ट्र में और मुंबई में ये कार्यक्रम हम इसीलिए चलाते हैं, यहाँ से आज के दिन प्रारंभ इसलिए हम करते हैं, क्योंकि तो ये आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ी एकादशी है, और इस माध्यम के द्वारा लोगों को एक वृक्ष के प्रति प्यार जगना चाहिए। इसलिए ये कार्यक्रम के बहुत सारे कार्यक्रम जो आगे साल में आने वाले, उसकी शुरुआत इस कार्यक्रम से हम कर रहे हैं। इसके अलावा सर मेरा एक अलग सवाल है, दो दिन पहले दादर में एक युवक पकड़ा गया जिसके हाथ पे जिसके पास से दो पिस्तौल जब्त किया गया, खुद को विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति बता रहा है, तो क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्व हिंदू परिषद को बदनाम कर रहे हैं? वो बदनामी का ही काम है, ऐसे कोई भी कार्यकर्ता ना विश्व हिंदू परिषद, हमारे ट्रेनिंग में भी एयर राइफल होती है, हम कभी भी इस प्रकार के शस्त्र अस्त्र को छेड़छाड़ करते नहीं, और जो भी विश्व हिंदू परिषद काम करती वो कानून के तहत करती है। जैसे गोरक्षा का मामला हो और इस प्रकार के अगर कोई बंधु है जिसको ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जब अपने आप को वो घेरे में आते हैं तो परिषद का नाम इतना बड़ा है, संगठन का नाम इतना बड़ा है, तो वो संगठन के आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग विश्व हिंदू परिषद के कभी नहीं हो सकते।